वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का, जो हमारा बेसिकली चैप्टर है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, उसके बेस्ट 10 एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, ये आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बल्कि साथ ही साथ में जो अब नेक्स्ट ईयर से 2024 से पीसीआई ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है एग्जिट एग्जाम, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 9 का पहला एमसीक्यू देखते हैं कि वो क्या कहता है। सबसे पहला एमसीक्यू कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर, इंसानों के अंदर इंसुलिन का जो है सबसे पहला कार्य क्या होता है, वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है, या फिर जो ग्लूकागन होगा हमारी बॉडी के अंदर जो रिलीज होता है उसको स्टिमुलेट करेगा, या वो फैसिलिटेट करता है ग्लूकोज के अपटेक को, या फिर वो जो है लिपिड सिंथेसिस को एनहेंस करेगा, उसके लिपिड सिंथेसिस को बढ़ाएगा। और जो आंसर हमारा करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ग्लूकोज अपटेक को फैसिलिटेट करता है। अगर मैं बात करूं बेसिकली जो इंसुलिन है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ग्लूकोज होमियोस्टेसिस में, कैसे, जो अपटेक होगा आपके ग्लूकोज का सेल के अंदर उसको प्रमोट करता है। जब ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है खाना खाने के बाद, तो पैनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन को हमारी ब्लड स्ट्रीम में। अब इंसुलिन काम करता है बहुत सारी सेल्स पे, पर्टिकुलरली जो आपकी मसल्स और जो एडिपोज यानी कि फैट सेल्स होती हैं उन्हीं के ऊपर जो स्पेशली अपना काम करता है, अपटेक करेगा ग्लूकोज का हमारे ब्लड से उनके लिए। ठीक है, ये बेसिकली इसका काम होता है एक इंसुलिन का। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है ये अलाउ करता है सेल्स को ग्लूकोज को यूज करने के लिए अपना फ्यूचर पर्पस के लिए, और एक एनर्जी के सोर्स के तौर पर आप जो है इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग इंसुलिन। अब जो है बेसिकली कौन सा ऑर्गन जो है बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है इंसुलिन को रिलीज और प्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन कहता है लीवर, या फिर पैनक्रियाज, या फिर किडनी, या फिर हार्ट। और जो सही आंसर है वो आप जानते ही हैं कि पैनक्रियाज ही जो है बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है एक इंसुलिन के प्रोडक्शन में और उसके रिलीज में। ठीक है, अब बेसिकली इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है हमारी बीटा सेल्स जो होती है पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि आपका स्टमक के नीचे होता है, उसके बिहाइंड होता है। इसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है आपका पैनक्रियाज का, उसके अंदर जो है बेसिकली सेल्स का क्लस्टर होता है, जिसे आप कहते हैं क्या, आइलेट ऑफ लैंगोगेट्स। ठीक है, और इसी के अंदर आपके जो है आइलेट्स भी होते हैं। बीटा सेल्स जो है आपकी जो है इंसुलिन को ही प्रोड्यूस करेंगी और रिलीज करती है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन इंडिविजुअल्स विद डायबिटीज व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंसुलिन। अब किसी भी एक इंसान के अंदर जिसे डायबिटीज है उसके अंदर सामान्य तौर पर कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रिलेट करती है इंसुलिन के लिए, कि वहां पे इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर एक्सेसिव इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर सेल्स की जो है बेसिकली इतनी क्षमता नहीं है कि वो इंसुलिन को रेस्पॉन्ड कर सके, या फिर एक रैपिड ब्रेकडाउन होता है, किसका, तेजी से ब्रेकडाउन हो जाता है इंसुलिन का ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कि सेल्स में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इंसुलिन को रेस्पॉन्ड कर सके। अब बेसिकली होता क्या है इस कंडीशन में, जो इस कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये टाइप 2 डायबिटीज में होता है, जहां पे बॉडी जो है आपकी रेजिस्ट हो जाती है कुछ इंसुलिन के इफेक्ट्स को लेकर के। अब बेसिकली जब पैनक्रियाज है वो अपना इंसुलिन तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन सेल्स जो है उसके सिग्नल्स को एडिक्वेटली क्या नहीं करती है, सेल्स जो है रेस्पॉन्ड नहीं करती है। ठीक है, रिजल्ट ये होता है कि ग्लूकोज का अपटेक होगा सेल्स के द्वारा वो होगा इंपेयर्ड, और जिसकी वजह से एक आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या होगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो इंसुलिन सिक्रीशन हमारा क्या हो गया है, कम हो गया है, या फिर इंसुलिन सिक्रीशन हमारा बढ़ गया है, या फिर ग्लूकागन रिलीज हो गया है, या फिर एड्रेनालिन का एक्टिवेशन हो गया है। और जो सही आंसर है वो है हमारा कि इंसुलिन का सिक्रीशन हमारा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
अब बेसिकली जो ग्लूकोज लेवल है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल वो बढ़ेगा, ठीक है। तो पेनक्रियास क्या करता है, वो जो है आपका जो एक इंसुलिन का जो है रिलीज होना है, उसका प्रोडक्शन होना है, उसको क्या कर लेता है, वो रिस्पॉन्ड करता है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इंसुलिन एक हॉर्मोन है जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके ग्लूकोज होमियोस्टेसिस में। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो अपटेक होता है ग्लूकोज का सेल्स के द्वारा वो अच्छे से हो सके, उसे फैसिलिटेट कर सके, और उनको जो है बेसिकली ग्लूकोज यूज करने के लिए एनर्जी के तौर पे, फ्यूचर पर्पस के तौर पे स्टोर करने के लिए भी परमिशन दे देता है। आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं ठीक से, या नोट्स आप चाहते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई रेफरेंसेस बुक्स भी नहीं है पढ़ाई करने के लिए, तो फार्मेसी इंडिया लाइव लेकर के आया है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए अपने 6 सेट के मॉड्यूल्स, जिसके अंदर आपके पांचों ही सब्जेक्ट लाए गए हैं जो फर्स्ट 5 मॉड्यूल्स में है, और जो लास्ट मॉड्यूल है ये है आपका क्वेश्चन बैंक, जो कि आपके लिए तैयारी करने में मदद करेगा एक एग्जाम से पहले। इसको ऑर्डर करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, उसके थ्रू आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑटो इम्यून डिस्ट्रिक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पैनक्रियास। कौन से टाइप का डायबिटीज है जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक ऑटो इम्यून डिस्ट्रिक्शन है इंसुलिन का, जो हमारा पेनक्रियास की सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शंस कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, या फिर टाइप 2 डायबिटीज, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज, या फिर इंसिपिडस डायबिटीज। और जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो हमारी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है एक इंसुलिन का, जो सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास में, ठीक है। अब टाइप 1 डायबिटीज जो है आपका एक इम्यून सिस्टम जब आपका जो है बेसिकली गलती से टारगेट कर लेता है और बीटा सेल्स को पेनक्रियास के अंदर डिस्ट्रॉय करता है, तो यही रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि पेनक्रियास क्या है, यही तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर रहा है एक इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए और रिलीज के लिए। तो रिजल्ट ये होता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान के अंदर टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बीच में मुख्य भेद क्या है वो बताना है। तो वो बेसिकली उसका जो एक ऑनसेट है काम करने का वो, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या फिर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन जो है बीटा सेल्स का, या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो आप जो है बेसिकली जब हम पिछले क्वेश्चन पे थे वहां से समझ ही गए होंगे कि सही आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, जो आपका आंसर है वो है सी, ऑटो इम्यून डिस्ट्रिक्शन जो होता है बीटा सेल्स का वो टाइप 1 डायबिटीज में होता है, और यही मेजर आपका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है। जब गलती से आपका जो बेसिकली कौन है इम्यून सिस्टम है वो आपकी जो पेनक्रियास की बीटा सेल्स होती हैं उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेनक्रियास किसके लिए, इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो बॉडी के अंदर आपको टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज। अब इनमें से कौन सा कॉमन सिम्टम है आपका डायबिटीज का, वो क्या है कि थर्स्ट और यूरिनेशन हमारा बढ़ जाता है, या फिर वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है, या फिर हमारी जो बेसिकली भूख है वो कम हो जाती है। और सही आंसर है कि हमारी जो प्यास है और जो हमारा यूरिनेशन का जो बेसिकली एक नॉर्मल होता है वो बढ़ जाता है। अब बेसिकली जो आपका ये जो थर्स्ट है यानी कि प्यास बढ़ गई है उसे कहते हैं पॉलीडिप्सिया, और यूरिनेशन बढ़ गया तो वो होता है पॉलीयूरिया। ये आपके एक नॉर्मल क्लासिक सिम्टम्स हैं डायबिटीज के। डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ जाता है इस तरीके से कि यूरिन प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी जो है बेसिकली एक्सेस ग्लूकोज को रिमूव करने के लिए मदद करती है ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू, और उसका रिजल्ट ये होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में और आपकी प्यास भी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डज टाइप 2 डायबिटीज डिफर फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज इन टर्म्स ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन प्रोडक्शन के बिहाफ पे, उसके प्रोडक्शन के बिहाफ पे टाइप 1 से कैसे जो है बेसिकली अलग है, ठीक है, यानी कि भिन्न है। तो ऑप्शंस कहते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ता है इसलिए,
या फिर नॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, या फिर इंसुलिन प्रोडक्शन घट जाता है, या इंसुलिन प्रोडक्शन होता ही नहीं है। और जो सही आंसर है वो है कि इंसुलिन प्रोडक्शन घट जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में जो है बेसिकली होता क्या है कि आपका ये एक ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स के लिए, ठीक है, पैनक्रियास के अंदर, तो डेफिशिएंसी होती है बहुत ज्यादा इसकी इंसुलिन की, इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज आपका डिफर है टाइप 1 डायबिटीज के कंपैरिजन में। आप जब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सेशनल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आपको मॉडल पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप ये मॉडल पेपर्स ले सकते हैं, फार्मेसी इंडिया लाइव लेकर के आया है मॉडल पेपर्स के 5 मॉड्यूल्स, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, और हर एक मॉड्यूल हर एक सब्जेक्ट का है। हर मॉडल पेपर की खासियत यह है कि यह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बनाया गया है, कंप्लीट सॉल्यूशन है हिंदी और इंग्लिश में, और हर एक मॉडल पेपर के अंदर 3-3 सेट आपके हैं मॉडल पेपर्स के, ठीक है, जो कि आपके लिए मदद करेंगे फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इनको लेने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, गूगल प्ले स्टोर से अभी तक नहीं किया है डाउनलोड कर लीजिए और ऑर्डर कर लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ HbA1c इन डायबिटीज मैनेजमेंट। अब जो ये HbA1c है इसका कार्य क्या है, रोल क्या है हमारे डायबिटीज मैनेजमेंट में, तो ऑप्शंस कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेगा, या फिर ये असेस करता है किसको, लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल को, या फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेजर करता है, या फिर किडनी फंक्शन को इवेल्युएट करेगा, ये इसका कार्य है, ठीक है। तो जो आंसर है आपका वो है कि ये जो लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल होता है उसमें मदद करता है, उसमें असेस करता है। अब बेसिकली जो HbA1c है ये एक मार्कर है जो कि आपका एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होते हैं उसको एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है 2-3 महीने जब बीत जाते हैं, ठीक है। ये जो है कब बनता है, जब ग्लूकोज आपका ब्लड स्ट्रीम में बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, और जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है आपका रेड ब्लड सेल्स में वहां पर बाइंड होगा, ठीक है। जो लेवल है आपका HbA1c का वो रिफ्लेक्ट होगा एक ओवरऑल ग्लाइसेमिक कंट्रोल के दौरान, जब बेसिकली वो आपका एक पूरा पीरियड चल रहा होता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एवरेज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कितना है बॉडी में, उसको डिटेक्ट करता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है चैप्टर नंबर 9 का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का, वो ये है कि डायबिटीज मैनेजमेंट के अंदर इंसुलिन थेरेपी का क्या रोल है, क्या कार्य है, ठीक है। यानी कि इन डायबिटीज मैनेजमेंट व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसुलिन थेरेपी, तो वो डायबिटीज को क्योर करने में मदद करेगा, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाने में मदद करता है, या ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट यानी कि नियंत्रण करने में मदद करता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। और जो सही आंसर है वो है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रण यानी कि रेगुलेट करने में मदद करता है। अब बेसिकली जो इंसुलिन थेरेपी है ये एक आपका सप्लीमेंट है, या आप कह सकते हैं कि इंसुलिन का रिप्लेस होता है इस बेसिकली थेरेपी के द्वारा पैनक्रियास के अंदर, जब वो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, यानी कि एक सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है। तो जो गोल है इस इंसुलिन थेरेपी का वो यही है कि हम रेगुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक पर्टिकुलर टारगेट रेंज के अंदर, एक किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जब इंसुलिन प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में जो है सीक्रेट नहीं हो पाता है। तो आज के सेशन में हमने जाना चैप्टर नंबर 9 हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके बेस्ट 10 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए जो आपके फाइनल एग्जाम्स के साथ साथ एग्जिट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल, जिसके थ्रू आप जो है इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देख सकते हैं, और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर 9389516306 इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद डीपी इंडिया कैपिटल लेटर्स में टाइप करके भेज दीजिए, और आप जो है टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको जो है व्हाट्सएप टेलीग्राम इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इनके माध्यम से डी फार्मा की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी और एग्जिट एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।